4 बजे के बाद मिल जाएगी। वीआईपी के उसमें कितने पैसे लगते हैं? 2100 भी लेते हैं, कोई 1100 भी लेते हैं, कोई 500 भी लेते हैं। प्रशासन मतलब इनके प्रति कोई मतलब भक्तों के प्रति कोई मतलब झुकाव नहीं दिया है। प्रशासन क्या व्यवस्था है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो इतना भीड़ भाड़ नहीं रहता हमारे छत्तीसगढ़ में, हम यहाँ पहले बार देख रहे हैं। बच्चों को धक्का धक्का के मारा जा रहा है और कोई लाइन ही नहीं बनी हुई ढंग से, मतलब मैंने देखा है काफी रो भी रहे थे भैया, हमारे बच्चे खुद के दब के दो इन्हें भी समझना चाहिए कि भैया बच्चे इनको लेकर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा बात तो यहाँ है कहीं नहीं आदमी, यहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं है, भगदड़ के सिवा कुछ नहीं है। राधे राधे दोस्तों, मैं वृंदावन में हूँ, आया था बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। भाई दर्शन मेरे तो हो नहीं पाए क्योंकि भीड़ बहुत अथा थी भाई, संडे का दिन है, बहुत अथा भीड़ थी यार। और जो व्यवस्था मैंने यहाँ पे देखी ना, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल 0% व्यवस्था थी। मेरे दर्शन नहीं हो पाए, मैं आधे से ही आ गया। मेरा ये मन था इस ब्लॉक में थोड़ा अलग तरीके से बनाना चाहता, अलग तरीके से कैसे कि मैं यहाँ पे ना मंदिर में दर्शन कराते हुए यहाँ पे होली के टाइम कैसा माहौल होता है उसे दिखाते हुए यहाँ का फूड भी एक्सप्लोर करूँ। भाई जितनी मेरी कोशिश हो सके कि मैं उतना दर्शन करा दूंगा और यहाँ का माहौल भी दिखा दूंगा कि किस तरह का एनवायरनमेंट है। तो फूड ब्लॉग कितना ही देखोगे, थोड़ा सा ना उसमें ऐड ऑन करने की कोशिश करूंगा मैं आगे भी। मैं कहीं भी ट्रैवल करूंगा वहाँ पे भी फूड के साथ साथ कुछ ना कुछ ऐड ऑन आपके लिए जरूर से जरूर करूंगा। भाई फिलहाल हम वृंदावन का फूड एक्सप्लोर करेंगे। भाई सबसे पहले हम चल रहे हैं बदनाम चाट वालों के यहाँ पे, इनका चीला ट्राई करने के लिए, इनका टिक्की ट्राई करने के लिए, और उसका जायका आपको बताएंगे ट्राई करने के लिए। आइए। अच्छा, ये बदनाम चाट वालों की दुकान है। अच्छा, क्या क्या रहता है आइटम भाई जी? चीला है हमारे यहाँ। अच्छा, मटर चीला। हाँ। कांजी वड़ा है। कांजी वड़ा। ये देसी घी की टिक्की। देसी घी की प्रिपरेशन रहती है, कॉस्ट क्या रहती है भैया इसकी? 17। और चीले की? 100 रुपीज। ये दुकान का नाम ऐसे कैसे पड़ गया? बदनाम ये है कि इसका स्वाद ही अलग है। अच्छा, इसका स्वाद अलग है इसलिए उसका नाम बदनाम चीला है। सब झटके आती है इसलिए, टिक्की जाती है सब झटके, इसलिए बदनाम है ये। आप एक काम कीजिए, आप हमारे लिए ना एक टिक्की लगा दीजिए और एक चीला। बड़ी फेमस दुकान है बाके बिहारी मंदिर की, और यार क्राउड भाई मेरे हिसाब से कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, और प्लस क्राउड की भी गलती है। इतना देखना चाहिए कि संडे का हिसाब किताब है, तो संडे के हिसाब से भीड़ इतनी ज्यादा आ रखी थी। लोग ना मेरे लिटरली ना उन्होंने दर्शन नहीं किए, दर्शन किए बिना ही वो वापस जा रहे थे। चले यार, फिलहाल ये मैं इनका पहला आइटम ट्राई कर रहा हूँ, ये इनका बदनाम चीला है, 100 रुपए इसकी कॉस्टिंग में है। ये देखिए, चलो ट्राई करता हूँ, बताते हैं देसी घी की प्रिपरेशन है इनकी। आइटम है दम है यार, इनको बहुत बढ़िया देसी घी का बिल्कुल फुल ऑन फ्लेवर है। 100 रुपीज कॉस्टिंग जरूर है, लेकिन आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, बहुत बहुत बढ़िया टेस्ट है। इसमें जो स्टफिंग देख रहे हो, ये देखिए, इसमें आपको मटर भी मिलेगा, गाजर भी मिल जाएगा, मतलब वेजिटेबल्स का ही भरपूर इस्तेमाल है, आलू भी है और पनीर भी है, ठीक है, और उनके मसाले हैं। कॉम्बिनेशन बहुत बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया है। ऐसा होता है ना कई जगह ना, जो धार्मिक जगह होती है ना, वहाँ ज़्यादातर ना खाने की क्वालिटी ना अच्छी नहीं मिलती। एक बार मैं दोनों को मिक्स करके अगर खाऊँ तो जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बहुत आनंद आया ये इनकी बदनाम चीला खा के। भाई इस चाट का नाम बदनाम चाट है, और ये बदनाम चाट क्यों है वो ट्राई करने के बाद बताता हूँ। 70 इसकी कॉस्ट है। भाई देखिए, बाकी आपने बनते हुए प्रिपरेशन देख ही ली थी, दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रही थी, टेस्ट कैसा होगा वो आपको बताता हूँ। अलग से जो छोले वाला मसाला बना रखा था, मसाले वसाले डाल के छोले डाल के, उसमें वो बहुत कमाल के हैं। ऊपर से जो इनकी चटनी है, और जो टिक्की का क्रंच है, और प्लस ये है कि इसमें क्वालिटी आ रही है इसकी देसी घी की वजह से। बहुत ही बढ़िया, बहुत मज़ेदार चाट है भाई। वृंदावन में मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि इस तरह का फूड आइटम भी मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरे को है नहीं। वृंदावन में बताते हैं कि यहाँ पे ना खाने की क्वालिटी इतनी है नहीं, लेकिन मैंने दोनों आइटम ट्राई किए, दोनों आइटम बहुत बहुत बढ़िया हैं। इसमें ना हल्का हल्का हींग का फ्लेवर भी है, लेकिन कॉस्ट में महंगा जरूर है, लेकिन जो क्वालिटी है ना और जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया है, मज़ा आया। भैया हमारे बच्चे खुद के दब के दो।
और वापस आ गए, दर्शन नहीं किए? दर्शन नहीं किए भैया। हम लोग छत्तीसगढ़ से दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर देखते इतना भीड़ भाड़, लेकिन पुलिस व्यवस्था कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। पुलिस व्यवस्था प्रशासन मतलब इनके प्रति कोई मतलब भक्तों के प्रति कोई मतलब झुकाव नहीं दिया है। मतलब मैंने देखा है काफी रो भी रहे थे, मतलब कि जो लाइन की बहुत हो रही है भैया, बच्चों को धक्का के मारा जा रहा है और कोई लाइन ही नहीं बनी हुई ढंग से, कुछ नहीं है। और मैं तो खुद भीड़ से निकल के आया, मेरा एकदम दम घुटने को तैयार हो गया। प्रशासन को सब व्यवस्था करना चाहिए ना, इतनी भीड़ होती पता होता है क्या व्यवस्था है? हमारे छत्तीसगढ़ में तो इतना भीड़ भाड़ नहीं रहता, हमारे छत्तीसगढ़ में हम यहाँ पहले बार देख रहे हैं, कोई पुलिस व्यवस्था कुछ नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। बच्चे ने लेके जब भी आते रहते पब्लिक, इन्हें भी समझना चाहिए कि भैया बच्चे को लेकर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा बात तो यहाँ आएगा ही नहीं आदमी, यहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं है, भगदड़ के सिवा कुछ नहीं है। पुलिस व्यवस्था कोई पुलिस है, एक दो जने सब चाहते हैं सबसे पहले हमारा दर्शन हो। अरे भैया मंदिर में जा रहे हैं सब, कई दर्शन होंगे, बिना बाकी भी आएगा कोई ऐसे नहीं है जिसके दर्शन न हो। गए थे दर्शन के लिए, क्या हुआ? कल भी गए थे, कल भी नहीं हुए, आज भी नहीं हुए। कैसे, भीड़ ज्यादा है? भीड़ ज्यादा है, और कोई जो इस तरह गेट पे जाम लगा लेते हैं, सब गेट खुलते हैं मैन रास्ते में। और इवन यहाँ पे दर्शन करने के लिए ये भी देखा है मैंने, 3100 रुपए मांग रहे वीआईपी दर्शन के। क्या हुआ आपको? भीड़ में गिर गई। तो आप अंदर क्यों गई थी, आपको पता है कितना बुरा हाल है? बोली दादी दादी अच्छा कोई है आपके साथ? 4 बजे के बाद मिल जाएगी वीआईपी गेट। उसमें कितने पैसे लगते हैं? 2100 भी लेते हैं, कोई 1100 भी लेते हैं, कोई 500 भी लेते हैं। पांच, लेकिन वो लड़के तो 3100 मांग रहा था। ये वीआईपी वीवीआईपी कल्चर बिल्कुल खत्म होना चाहिए, क्योंकि जहां एक तरफ नॉर्मल लोग भीड़ में धक्के खा रहे हैं दर्शन के लिए, वहीं कुछ लोग पैसे देकर वीआईपी दर्शन कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम हमारे यहां ज्यादातर धार्मिक स्थलों पर देखने को मिलती है, जहां लोग ज्यादा जाते हैं। भगवान के लिए कोई वीआईपी वीवीआईपी नहीं है, उनके लिए सब एक बराबर है, सबको दर्शन पाने का एक समान मौका मिलना चाहिए। अभी हम दूसरा आइटम ट्राई करने वाले हैं, जो कि होने वाले हैं गब्बर सिंह की कचौड़ी। भाई ये बहुत बहुत ज्यादा फेमस है वृंदावन में। क्या नाम है वैसे आपका? हमारा नाम है गब्बर सिंह कचौड़ी वाले। रहते क्या बात है, क्या क्या रहते हैं अभी आइटम? रहता है अभी इस टाइम आइटम रहता है पूरी, कचौड़ी, ढोकला, रायता, लस्सी। सारे दिन ऐसे ही चलता रहता है? सारे दिन नहीं है, 2 बजे तक का ठेका है। अच्छा, 2 बजे तक, 2 बजे तक आपका फिनिश हो जाता है? अब उसके बाद में चाट का काम होता है शाम को। कितने बजे ओपन हो जाती है आपकी दुकान? ये सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 2 बजे तक। अच्छा, एक बात बताइए, नाम गब्बर सिंह ऐसे ऐसे ही है या सही में रियल? ये आधार कार्ड में भी है। क्या बात है, दमदार नाम है वैसे आपका। राधे राधे। क्या प्राइस रहते भैया? हाँ अच्छा, मैं इनके एड्रेस की बात करूँ तो एड्रेस ये बांके बिहारी मंदिर से जस्ट सामने ही आपके दुकान, मार्केट के सामने, मार्केट के नंबर गेट के सामने। भैया एक काम कीजिए, आपने कचौड़ी बनवाई है हमारे, ठीक है, और लस्सी का कितना रहता है ग्लास? 50। ठीक है, एक प्लेट कचौड़ी करवा देना और एक लस्सी का ग्लास। भैया ये 2 आइटम मैंने ले लिया है, ये इनका 60 का ग्लास है लस्सी का गब्बर सिंह से, और ये है जी 40 की कचौड़ी। सबसे पहले मैं कचौड़ी ट्राई करूंगा, उसका टेस्ट आपको बताऊंगा। प्राइस ठीक है, नॉमिनल है, अगर प्राइस ज़्यादा भी है तो वो क्वालिटी बढ़िया है उधर। चलो दाल की अच्छी खासी स्टफिंग है, इसमें सीताफल है, आलू है। सीताफल पता क्या क्या कर रहा है, बैलेंस कर दे रहा है, जो इनका स्पाइस है ना उसको बैलेंस कर दे रहा है सीताफल। मजा आएगा आपको खाने में, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है कचौड़ी। ये लस्सी का ग्लास है, आत्मा तृप्त हो गई। बढ़िया भाई, सर्दी में आओ या गर्मी में आओ, ये लस्सी बहुत कमाल की है, बहुत टेस्टफुल है, बहुत टेस्टी लस्सी है, मजा आया काफी गाढ़ी। और आप ना मलाई की लेयर देख सकते हैं, क्वांटिटी ये रह सकती है, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी लस्सी। हाँ भाई, स्वीटर साइड बहुत है, मीठी बहुत है, चीजें व्यवस्थित नहीं है ना, उसकी वजह से ना सारा मजा खराब हो रहा है, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत अलग है और खाना बहुत कमाल का। बढ़िया भाई, इंजॉय करता हूँ अपने मील को, अपने दोनों आइटम खत्म करता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट दर्शन पे लेके चलूंगा, वहाँ का जाएगा जोर बता। चलो
भाई यहाँ पे ना खाने की दुकानों के साथ साथ ना यहाँ पे हर एक दुकान आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए पेड़े का प्रसाद तो आपको जगह जगह मिल जाएगा, ऐसी ऐसी दुकानें। और यहाँ पे ना ये देखिए कान्हा जी के इतने सुंदर सुंदर कपड़े भी मिल जाएंगे। बहुत ही हैपनिंग मार्केट है यार। आया मैं पहले भी था लेकिन मैंने ऐसे कवर नहीं किया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा ये पेंटिंग बताइए किस किस प्राइस रेंज पे रहते हैं? बड़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग 100 रुपए से लेकर 5000 30000 रुपए तक की पेंटिंग है। 30000 रुपए तक की? 30000 रुपए वाली कौन सी है? ये सामने लगी हुई है और इससे भी बड़ी है, 1.25 लाख रुपए की पेंटिंग आती है। और अपना 500 से कौन सी वाली पेंटिंग स्टार्ट है? 500 ये बांके बिहारी की लगी हुई है। ये वाली 80 रुपए से स्टार्ट है। अच्छा जी। 80 रुपए की है, 150 रुपए की है, वो 500 रुपए की है। अच्छा अपना एड्रेस तो वही रहेगा? बांके बिहारी वाली गोवर्धन गेट। गोवर्धन गेट राधा कृष्णा स्वीट से मैं एक आइटम ट्राई करूंगा भाई, बहुत ज्यादा फेमस है अपने दूध के लिए, अपनी जलेबी के लिए। अदर आइटम भी मैं देख रहा हूँ, स्पेशल लस्सी मिल जाएगी, बाकी मैं काफी वैरायटी स्वीट्स की भी देख रहा हूँ। क्या नाम है भैया आपका? दिव्यांशु नाम है। अच्छा अच्छा। क्या ये पूरे दिन चलता रहता है दूध वाला आइटम? पूरे दिन। अच्छा अच्छा। कितने का रहता है ग्लास भाई? एड्रेस क्या होता है भाई यहाँ का? बाकी बैरी जी के बगल में राधा कृष्ण स्वीट्स। क्या क्वांटिटी रहती है भाई? ये क्वांटिटी रहती है 300 ml 40 रुपए में। बढ़िया। यार आपका ना दूध और जलेबी बड़ा फेमस हो रहा है, आप ना वो ट्राई करवा। लास्ट कितने बजे तक रहते भाई? 10 बजे तक। 10 बजे तक। कैसे जलेबी देसी घी की होती है? देसी घी की होती है। सारा आइटम देसी घी का। सारा आइटम देसी घी का है। ये देखिए 60 का हो गया है ये। इसमें 50 ग्राम जलेबी है, बाकी दूध है, बाकी मलाई की केस, मलाई की ये है, काफी अच्छी लेयर डाली है। बढ़िया आइटम है भाई का। दूध की क्वालिटी अच्छी है। प्लस यहाँ पे ना बैठने का सिटिंग फैसिलिटी भी बहुत अच्छी लगी मुझे भाई। ये चीज़ है जिसके लिए मैं आया था इस दुकान पे। मेरे को किसी ने लोकल ने रिकमेंड किया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ये ट्राई करने के लिए। बहुत बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है यार। अगर आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो लग्जरी को छोड़िए, एक बार ऐसे ट्रैवल करके देखिए। यकीन मानिए आपके सोचने का तरीका और लोगों को देखने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हम लोग ऐसे गोले पर हैं जहां पर मेजोरिटी ऑफ द पीपल अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन बनेंगे सब अपने। बाबा जी से बात करते करते कब 2 घंटे चले गए पता ही नहीं लगा। ये है राधा रानी मंदिर के पहले दर्शन। अभी मैं बरसाना पहुंच चुका हूं, आप देख सकते हैं यहां का माहौल बिल्कुल अलग है। यहां पे आके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी ये सोच रहा हूं आप भी ना घर बैठे बैठे ना इस माहौल को, इस वाइब्स को ना एंजॉय करें। पूरा बरसाना ना एक हफ्ते पहले ही होली में सराबोर हो चुका है भाई, देख सकते हैं क्या हाल हो चुका है। पूरा माहौल राधामय हो गया है, बहुत बढ़िया माहौल, मजा आ रहा है यहाँ पे आकर। राधे 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 राधे। अपना जो कल्चर है ना, कल्चर को मेरे को दिखाना और साथ साथ फूड एक्सप्लोर करना बड़ा मजा आता है। आए कुछ और थे भैया को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो सब चीज करिए भाई। राधे 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 राधे। बहुत बढ़िया है भाई, ये मॉल भी आपको दिखाना बहुत जरूरी था। जितना आप वीडियो में देखते हैं यहाँ का माहौल उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर है। एक तो वो भाव और आस्था जिसे लोग लिए यहाँ पर आते हैं, और दूसरी इस जगह की महिमा कहिए कि यहाँ पर आकर आप सब कुछ भूल जाएंगे। नाम रहेगा तो बस एक यार, वो है राधा रानी। लेकिन फेस्टिव टाइम पर यहाँ पर इतना क्राउड हो जाता है जो पुलिस और प्रशासन के बाहर की बात हो जाती है, क्योंकि वो किसी को आने से रोक नहीं सकते। एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी है, लेकिन ये नौबत आए ही क्यों? प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि वो इस तरफ जरूर ध्यान दे और केवल उतने ही लोगों को अलाउ किया जाए
जिससे कि किसी तरह की अनहोनी ना हो, क्योंकि जब मैं गया था यहाँ पर इतना क्राउड हो गया था जिसे देखकर मैं सहम गया था। बच्चे बड़े सभी भीड़ में दब रहे थे, गिर रहे थे और कई लोग तो बेहोश भी हो गए थे। और जो मंदिर प्रांगण में किसी तरह पहुंचे वो लिटरली कांप रहे थे। बहुत मुश्किल हो गई थी मेरे लिए भी, इस पार्ट को मैं कवर कर सकता था लेकिन नहीं किया। मैं नॉर्मल वे में अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये नहीं है कि यहाँ पर होली का माहौल कैसा होता है, दूसरे ब्लॉगर भी यही कर रहे हैं, मगर इसका दूसरा पहलू भी समझिए। आप इसे अवेयरनेस की तरह देखिए, और अगर आपके यहाँ बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं और प्लान कर रहे हैं यहाँ आने का, तो आप आगे पीछे आ सकते हैं, मगर फेस्टिव टाइम पर अवॉइड करें। बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है भाई। ये एक्सपीरियंस मेरे को करना था तो कर लिया, मगर मैं ये कहूँगा कभी भी सैटरडे संडे या फिर ऐसे त्यौहार वाले टाइम पे, आज यहाँ पे बरसाना में होली वाला पर्व है, इस वजह से यहाँ पे इतनी अता भीड़ थी, कई जगह तो हमने कवर ही नहीं की, बहुत मुश्किलों से जान बचानी भारी पड़ गई। बहुत बहुत मुश्किल है भाई, बड़े मुश्किलों से आपके लिए जितना पॉसिबल हुआ मैं वीडियो बना ली। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ये भी बताइएगा हमारा ये कंटेंट आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। राधे राधे।